हैं जैसे, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, अच्छा तुम रहते कहाँ हो, तो ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है वेल। इसका मतलब होता है अच्छा। इसे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे वेल, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर अपना सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, तो इसकी इंग्लिश होगी वेल व्हाट इज योर नेम, वेल व्हाट इज योर नेम। अगला एग्जाम्पल, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम कल आ सकते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी वेल टेल मी वन थिंग, कैन यू कम टुमारो, वेल टेल मी वन थिंग, कैन यू कम टुमारो। अगला एग्जाम्पल, अच्छा तुम कहाँ रहते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी वेल वेयर डू यू लिव, वेल वेयर डू यू लिव। अगला स्ट्रक्चर, हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जो बोलने पड़ते हैं जैसे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि अक्षय कुमार एक एक्टर हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो जिन सेंटेंस में हमें बोलना होता है इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, तो ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है इट गोज विदाउट सेइंग। इसका मतलब होता है इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। इट मीन्स कि अगर आप कोई ऐसी बात बता रहे हैं कि जिसके बारे में सबको पता है, तो वे आपसे कहेंगे इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और इसकी इंग्लिश बनाने के लिए इट गोज विदाउट सेइंग का यूज किया जाता है। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे इट गोज विदाउट सेइंग, उसके बाद डैड लगाएंगे और फिर अपना सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस टेंस के अनुसार किसी भी टेंस का हो सकता है। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इट मीन्स कि ये बात हमें पहले से ही पता है कि हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी इट गोज विदाउट सेइंग दैट वी शुड वर्क हार्ड, इट गोज विदाउट सेइंग दैट वी शुड वर्क हार्ड। अगला एग्जाम्पल, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि अक्षय कुमार एक एक्टर हैं। इट मीन्स कि हमें पहले से ही पता है कि अक्षय कुमार एक एक्टर हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी इट गोज विदाउट सेइंग दैट अक्षय कुमार इज एन एक्टर, इट गोज विदाउट सेइंग दैट अक्षय कुमार इज एन एक्टर। अगला एग्जाम्पल, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तो इसकी इंग्लिश होगी इट गोज विदाउट सेइंग दैट आई विल हेल्प यू, इट गोज विदाउट सेइंग दैट आई विल हेल्प यू। हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जो बोलने पड़ते हैं जैसे, तुमने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, उसने आपके प्रयासों पर पानी फेर दिया है, तो ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। इसका मतलब होता है पर पानी फेरना। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है, तुमने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी यू हैव थ्रोन कोल्ड वाटर ऑन माई होप्स, यू हैव थ्रोन कोल्ड वाटर ऑन माई होप्स। अगला एग्जाम्पल, उसने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज थ्रोन कोल्ड वाटर ऑन माई ड्रीम्स, ही हैज थ्रोन कोल्ड वाटर ऑन माई ड्रीम्स। अगला स्ट्रक्चर, हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जो बोलने पड़ते हैं जैसे, वे हमेशा तू तू मैं करते रहते हैं, उसको तू तू मैं करना पसंद नहीं है, तो जिन सेंटेंस में बोलना होता है तू तू मैं करना, तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। इसका मतलब होता है तू तू मैं करना। इट मीन्स कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहना। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है, वे हमेशा तू तू मैं करते रहते हैं। इट मीन्स कि वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी दे ऑलवेज एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, दे ऑलवेज एक्सचेंज हॉट वर्ड्स।
अगला एग्जाम्पल, उसको तू तू मैं मैं करना पसंद नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही डजेंट लाइक एक्सचेंजिंग हॉट वर्ड्स, ही डजेंट लाइक एक्सचेंजिंग हॉट वर्ड्स। स्ट्रक्चर 5, हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलने पड़ते हैं जैसे आजकल वो ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा है, ज़्यादा हवा में मत उड़ो। तो जिन सेंटेंस में हमें बोलना होता है ज़्यादा हवा में उड़ना या फिर हवा में उड़ना, तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है पुट ऑन एयर्स। इसका हिंदी में मतलब होता है ज़्यादा हवा में उड़ना या फिर ज़्यादा बनना या हवा में उड़ना। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर लिखेंगे पुट ऑन एयर्स। यहाँ पर जो पुट है यह मेन वर्ब है, इसलिए यह टेंस के अनुसार चेंज हो जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है आजकल वो ज़्यादा हवा में उड़ रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी नाउअडेज ही इज पुटिंग ऑन एयर्स, नाउअडेज ही इज पुटिंग ऑन एयर्स। अगला एग्जांपल, ज़्यादा हवा में मत उड़ो, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट पुट ऑन एयर्स, डोंट पुट ऑन एयर्स। अगला एग्जांपल, ज़्यादा हवा में क्यों उड़ रहे हो, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई आर यू पुटिंग ऑन एयर्स, व्हाई आर यू पुटिंग ऑन एयर्स। अगला स्ट्रक्चर, हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलने पड़ते हैं जैसे कुल मिलाकर वो झूठ बोल रहा है, कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा था, तो जिन सेंटेंस में बोलना होता है कुल मिलाकर, तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है ऑल इन ऑल। इसका मतलब होता है कुल मिलाकर। इसे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे ऑल इन ऑल, उसके बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस टेंस के अनुसार किसी भी टेंस का हो सकता है। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है कुल मिलाकर वो झूठ बोल रहा था, तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे ऑल इन ऑल, उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे जो कि है वो झूठ बोल रहा था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वाज टेलिंग अ लाई, ऑल इन ऑल ही वाज टेलिंग अ लाई। अगला एग्जांपल, कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा था, तो इसकी इंग्लिश होगी ऑल इन ऑल एवरीथिंग वाज ऑल राइट, ऑल इन ऑल एवरीथिंग वाज ऑल राइट। अगला एग्जांपल, कुल मिलाकर हमने बहुत एंजॉय किया, तो इसकी इंग्लिश होगी ऑल इन ऑल वी एंजॉयड अलॉट, ऑल इन ऑल वी एंजॉयड अलॉट। स्ट्रक्चर 7, मैंने तो बस यूं ही पूछा था, मैं तो बस यूं ही वहां गया था, मैंने तो बस यूं ही उसे देखा था, तो जिन हिंदी वाक्यों में हमें बोलना होता है तो बस यूं ही, तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है जो कि है जस्ट कैजुअली। इससे सेंटेंस का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे अपना सब्जेक्ट, उसके बाद जस्ट लगाएंगे और फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर कैजुअली लगाएंगे। मैं तो बस यूं ही वहां गया था, तो इसकी इंग्लिश होगी आई जस्ट वेंट देयर कैजुअली, आई जस्ट वेंट देयर कैजुअली। अगला एग्जांपल, मैंने तो बस यूं ही उसे देखा था, तो इसकी इंग्लिश होगी आई जस्ट सॉ हर कैजुअली, आई जस्ट सॉ हर कैजुअली।